How are you, Sumit? Hey, how are you? Yeah, yeah. For my film. I think Akshay makes good films with a lot of content, so I can only wish him all the best because I really love him, and I'm sure he'll do a fantastic job in this film, and Toilet will be a very good film. Yeah, I'm sure it'll do well. I'm sure it'll do well. I think इनके जो producers भी है क्रियाज, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ परमाणु में, और अक्षय भी काम कर रहा है रुस्तम में, भी अक्षय ने इनके साथ काम किया है. आई थिंक कॉन्टेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं इन लोग, और टॉयलेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फिल्म विद अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट, तो डेफिनेटली इट डू वेल. आई होप, क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही रेलिवेंट है आज के तारीख में, एंड आई थिंक व्हेन वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ जेंडर बायस जो नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक इट शुड चेंज द माइंड सेट होपफुली. Nothing. I'm a proud Indian, and I'll always be a proud Indian. Or I always say this: the most valuable possession I have is the Indian flag in my wardrobe. So I'm probably very patriotic, and I'm proud of it. So happy Independence Day to every Indian out there. Be proud to be Indian. बिल्कुल, क्योंकि आज स्वच्छ भारत सैनिटेशन को लेकर बहुत चर्चा में है, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी हमारे सोसाइटी के लिए ताकि क्लीन रहे, और ख़ास करके औरतों के लिए कि घर में एक टॉयलेट होना चाहिए, कि नहीं तो उनको बाहर जाना पड़ता है, दे हैव टू, बहुत सारी दिक्कतें हैं औरतों के लिए टू गो टू अ टॉयलेट विच इज़ आउटसाइड. तो मुझे लगता है बहुत ही रेलेवेंट है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. आई एंजॉयड द प्रोमोज वेरी मच, बहुत मज़ा आया देखकर, और आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस. वील टॉक अबाउट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दैट. थैंक यू, थैंक यू. Yes, I'm very surprised with the title, because ek love story ke liye toilet ke word hai with a love story, so it's very different, it's very innovative, and I think it's very topical, and that's what is attractive about this. Thank you. Evening. I loved the trailer, so I'm expecting great things from this film. I really really loved the trailer. Yeah, it's a it's such a good cause, but we know that finally movies have to be entertaining, and I think this movie's got the right mix of both entertainment and a great social message, so I'm really looking forward to it. No, I think if there's any film that can break it, it's this one, because I think it's it's a very very entertaining film, and it's got a great message, so I'm really looking forward to watching it. Any
Ji, hum bilkul concerned hain because it is absolutely concerning because the fact is that creative expression is being stifled in that manner, and we hope that the authorities take this very seriously. Thank you. नहीं वो बोले इधर आओ कोई बोले आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग सम एक्साइटमेंट आई वॉज आई रियली लाइक द ट्रेलर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है तो जब मैंने ट्रेलर देखा मुझे फिल्म देखनी थी तो लकीली मुझे स्क्रीनिंग पे आने मिल गया यार मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में बहुत बड़ा माध्यम होता है लोगों तक मुझे लगता है कि फिल्मों से ना आप कोई भी इशू अगर लोगों तक पहुंचाएंगे वो बहुत जल्दी लोग समझ सकते हैं और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं सो आई थिंक फिल्में ऐसे बननी चाहिए इश्यूज़ पे बिकॉज ज़्यादा लोग देखेंगे ज़्यादा लोग चेंजेस अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग बस एक स्केड्यूल हुआ है अभी और थोड़ा बाकी है काम बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा था वो तो आपको फिल्म देख के मालूम पड़ेगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे खुशी से मनाओ मुझे तो ऐसे कुछ फ्रीडम में मतलब आई फील दैट आई एम क्वाइट फ्री इन लाइफ नोबडी स्टॉप्स मी फ्रॉम एनीथिंग मैं जो चाहती हूँ मैं करती हूँ मुझे किसी से डर नहीं लगता हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस यार मुझे ना फ्लैश लाइट से प्रॉब्लम है नहीं बट इतनी सारी आ गई हयो 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 कितना जी विचार एक्चुअली राइट नाउ मैं एकदम नम हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में उसका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था दैट आई एम स्टिल लाइक सॉर्ट ऑफ कैचिंग माई नर्व्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस एंड आई रियली होप एवरीबडी इन्जॉयज द फिल्म यू नो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर आर सोसाइटी एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हो सकी हूँ एंड स्पेशली औरतों के लिए मैं एक मॉडर्न इंडियन लड़की हूँ और जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि ये औरतों के हित में कितनी है फिल्म बट बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि काफ़ी सीन्स हैं फिल्म में जो एज अ गर्ल मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ही हर्ट हुई थी बट ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिल्म देखेंगे तब आप रियलाइज करेंगे बट या जस्ट इन्जॉय द फिल्म सो आई रियली होप कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे बट यू नो द इंटेंशन बिहाइंड दिस फिल्म इज़ वेरी नोबल हमने बहुत ही मेहनत की है बहुत ही प्यार से ये फिल्म बनाई है एंड मैं यही चाहूँगी कि जितने लोग हो सके हिंदुस्तान में उतने लोगों तक ये फिल्म पहुँचे क्योंकि बहुत ही ज़रूरी फिल्म है हाँ पता Yes, I want to wish everybody a very happy Independence Day. We are a very young economy, we are a very young democracy and together we need to strengthen our country and go forward and turn it into the amazing country that it is. A very happy Independence Day. So, honestly, मुझे collections वगैरह समझ ही नहीं आती सिर्फ मेरी दूसरी फिल्म है मेरी पहली फिल्म एक छोटी सी फिल्म थी so I don't know. I really hope जो भी figures होते हैं वो top ही हो क्या आपका जो मन करे आप रख लो आयुष्मान आ रहे हैं पर
आई थिंक सो जी जी ही इज ऑन हिज वे आई होप. हाँ वो आ रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक्चुअली पहुँचने ही वाले होंगे. अब उनसे पूछेगा आपको क्या लगता है. थैंक यू सर. Personally or professionally, I think the only thing that I would see, I mean, I'm being very honest, I'm very lucky. I come from a family where we were given freedom at every level. But I really hope that the inequality that women face in our country, that if slowly and steadily diminishes. Definitely today, that's the kind of freedom we need in our country. Jao Andar. I am. यस मैम, मेरी बहुत ही बढ़िया स्टाइलिस्ट है आस्था शर्मा. मैंने थिया का आउटफिट पहना है. ओके फॉर श्योर. कैसे आप? गुड इवनिंग. या या ऑफिशियली जी 25 अगस्त को जी. हाँ प्रीमियर बिल्कुल. Definitely. Definitely, I think it's a very educational film. Films like this should be made, and it's being made. I'm just very excited to see it now. And it deals with the social cause, which is very important. So it's a good thing about. जी ऑफ कोर्स. ये फिल्में एक बहुत बड़ी मीडियम है जिसे आप लोगों तक पहुंच पाते हो, तो आई होप दिस मेक्स अ डिफरेंस. जी बिल्कुल. Yeah, for sure. I mean, films are such a big platform to entertain people, to spread a message, spread a word. So I think with this film, definitely could touch a lot of people. And I hope it does. You know, it's an honest effort. And raise awareness also. Definitely, it's an honest effort by Prerna Arjun, Akshay sir, the entire team. I hope people come and watch it. And I'm sure I'll do very, very well. Thank you, Ji. Of course, definitely, in such a great place like India, you have the freedom of everything, the freedom of speech, to do what you want, to wear what you want, and it's a great time to be in India. And we must value it, and that Bilkul. Is what our movie is about. Yes. So, value Hamari picture ka mudda hai ye. To value your freedom, not take things for granted. So, yes, very excited for Independence Day. जी. So right now, because my film is just coming out, I'm very excited about it. I haven't thought much about any competition, but yes, I do think that competition is healthy. It motivates you to do better work and encourages you and pushes you forward. So dekhenge aage jaake. I feel the same way. We're so new. Sorry, I feel the same way because हम इतने नए हैं, कुछ प्लानिंग नहीं किया है. एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन ऑलवेज इन्हांसेज योर परफॉर्मेंस एंड आर्ट आई फील. सो इट्स अ गुड थिंग टू बी ऑफ कोर्स इन सम वेज, बट वी टू न्यू टू बी स्केयर्ड. वी वेरी एक्साइटेड अबाउट द एंटायर जर्नी राइट नाउ. थैंक यू. थैंक यू. हैप्पी हैप्पी 70th इंडिपेंडेंस डे सभी को. इंडिपेंडेंस डे सबको. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जय हिंद. I'm very excited to watch this movie. It's such a different concept. Nothing like that has been done before. So, बहुत ही excited. I think कि एक तो ये message तो there'll definitely be a very strong message, but at the same time I think कि इसमें humor भी you know there's going to be great content in terms of humor. So I think I can answer this question better after I watch the movie. Good evening. Correct. Yes.
Oh my god. Why you all ask these questions, Hasu? Yeah, I mean, you know, in terms of, it was a South film. It was a Telugu movie and it had an ease release and it did really well. In fact, in its first week, I think it made 104 crores, which was massive. So it always feels good to have a success, whatever the language may be. Nay, we thought didn't even look at it that way. I'm just glad people enjoyed the film. हाँ बोलिए ऑफ कोर्स हम एक ऐसी कंट्री में है जो इन अ वे वी स्टिल हैव आवर फ्रीडम एंड आई थिंक फ्रीडम इज आल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड यू नो सो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज बेटर योर कंट्री बट आई डू फील फ्री ऑफ कोर्स दैट्स अ ऐसे कुछ नहीं आई थिंक इट इज़ मोर मेंटल यू नो रादर देन अ फिजिकल थिंग तो समटाइम्स यू नो व्हेन यू थिंक टू मच दैट ऑल्सो कैन होल्ड यू डाउन सो आई गेस यू नो आई वॉन्ट टू थिंक लेसर येस आई वॉन्ट विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे थैंक यू जय हिंद जय हिंद सुमित Hi. Good. Yes, of course. There's a reason why I'm here. That's because I like the promo. I think it's fabulous and I'm really excited to watch the film. And I'm just hoping that I'm just really excited about it. Bani, hi. Hi. Oh, hi. Bani, so you're like Bani. The film has a social message also. Yes, it does. Do you think films can bring a change in society? You know, it's a social message. I'm sorry? Do you think films can bring a change in society if they have such a I think it is. Our movies are a reflection of, you know, what the society is all about. And they do reflect a lot that's already going on in our society. So it's just mere reflection of it. And I'm really looking forward to it because I've heard a lot of good things. I've seen the promo. I'm quite kicked. Rumi's a friend. So I'm all here to support. And Akshay is a fabulous actor. Hi. Ajay, quickly ask. Should I let go? Yeah, I don't want to miss my first scene. Quickly. Okay. Sumit, jaldi. Guys, jaldi. Ha. Yeah. Let me concentrate. All there. Am I patriotic? Ha, main hu, but swatantra. Anything you want freedom from 23rd August is my birthday. You guys can also wish me. August is such a auspicious month. Not bigger than Independence Day for sure. Yeah. Anything you want freedom from personally or professionally? A lot of things. Right now I just can't think of anything. Freedom from negativity, I guess. Negativity. Yeah. Happy Independence Day, guys! And to you also, Sumit. अभी ना मैं ना झांसी की रानी बनके बहुत अच्छा प्रोमो है डॉलर का ऑफ कोर्स इसकी वाइब बहुत अच्छी है और आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म बिकॉज जिस तरह के सब्जेक्ट्स अक्षय से चूज कर रहे हैं भूमि जिस तरह के सब्जेक्ट्स चूज कर रही है आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्म है और ओपन डेफिकेशन काफ़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में एंड आई थिंक आई एम ग्लैड इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनी है ऑफकोर्स जो फिल्म होती हैं वो ओपिनियन लीडर्स होती हैं हमारे कंट्री की सोसाइटी में काफ़ी कुछ चेंजेस लाती हैं एस्पिरेशनल कहा जाता है फिल्म्स को हमारी एंड दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसको देखकर चेंज जरूर आ सकता है बिल्कुल धमाक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करेगी क्योंकि कंटेंट बेस्ड सिनेमा आजकल ज़्यादा चल रही है जेनेरिक फिल्म्स कम चल रही हैं तो आई थिंक दिस इज हाई ऑन कॉन्सेप्ट
हाँ अंदर चलेगी वो, स्टार्ट होगी क्या फिल्म? हाँ भूमि को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसकी फिल्म बहुत अच्छा करे, हमारी अगली फिल्म भी साथ में शुभ मंगल सावधान, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो, कि अगली फिल्म भी हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म है जी। अब क्या करें, आजकल विंडोज थोड़ी कम मिलती है फिल्म को लेकर, लेकिन अगर फिल्में अलग हैं तो हर एक के लिए जगह बन सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल या वी आर सेलिब्रेटिंग 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, सो आई वुड लाइक टू से कि हाँ हमने आज़ादी की इज्जत करनी चाहिए, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरह से निभानी चाहिए। आई थिंक फ्रीडम टू डू ओन थिंग, आपको हक है अपनी तरह की आर्ट करने का, अपनी तरह की फिल्में करने का, अपनी तरह के गाने गाने का, अगर वो आपको कहीं लेकर जाती है तो नथिंग लाइक दैट। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू भाई। I loved the trailer of Toilet and I've been loving all the promos. So yeah, it's a different subject, it's a hardcore subject, it's a very relevant subject. So a lot of fun, and of course when Akshay sir is there, it's a lot of entertainment with a lot of good content. सबको बरेली की बर्फी मिली है टॉयलेट के ऊपर। Really? चलो बर्फी तो मिली बरेली के, या नहीं? जी आई रियली होप सो, आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट और मतलब बहुत बेसिक नीड है जो शायद बहुत लोगों को अभी भी नहीं मिलती है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट समथिंग लाइक दिस इज कमिंग थ्रू सिनेमा टू पीपल। बोलो बोलो आपको कुछ बोलना है? Yeah, of course. I spoke about it the first time. Yeah. Yeah, definitely. I think, I mean, it is a film that I feel promises good content and as well as entertainment, like I said. And I really hope that... I mean, a lot of people go and watch this film because it's very important to our society today. And I'm really looking forward to watching the film, honestly. Hopefully, kuch screening vagaira to hogi. But kab hogi, kya hogi, production, how is abhi? They are taking care of it. Main abhi promotion mein lagi hui hu. Ji. Ji. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, फ्रीडम का मतलब बहुत कुछ होता है, फ्रीडम ऑफ यू नो डूइंग व्हाट यू वांट टू, वेयरिंग व्हाट यू वांट टू एज अ गर्ल, आपको जो काम करना है, जो करियर अपनाना है, जिससे शादी करनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आई थिंक लड़कियों के लिए एक अलग रूल बुक होती है आज भी बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया में, सो आई थिंक वो फ्रीडम, एक जो इक्वालिटी है वो वाली फ्रीडम, आई थिंक दिस फ्रीडम ऑफ सोच जो है वो अभी भी आनी बाकी है काफ़ी हद तक। आई डोंट थिंक वील गेट दैट, आई डोंट थिंक वील गेट दैट बिकॉज उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता है तो क्लैश हो रहा है थोड़ा सा। नो दे डोंट, दे एक्चुअली डोंट, आई थिंक लोगों का काम है कहना, तो आई डोंट थिंक यू कैन एवर स्टॉप दैट, बट या यू कैन हैव अ फिल्टर फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन ब्लॉक पीपल, यू हैव ऑप्शंस ऑफ ब्लॉकिंग पीपल, so if somebody is really adding negativity to your life, just block that person, yeah, it's okay. Very distant and smart. Thank you. I just want to wish all the viewers a very very happy Independence Day. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Right look.
बोलते हैं।